नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। अब खबरें अन्य राज्य। इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूरेशियन ग्रुप प्लेनरी एंड वर्किंग ग्रुप्स की बैठक का आयोजन आगामी 25 से 29 नवंबर तक किया जा रहा है। इस बैठक में विभिन्न देशों के लगभग 150 डेलीगेट शामिल होंगे। इनके साथ ही भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश के मंत्रीगण भी शामिल होंगे। उसी की तैयारियों के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के संचालक स्मारक स्वयं वर्चुअली रूप से शामिल हुए। बैठक में कलेक्टर श्री आशीष सिंह सहित नगर निगम आयुक्त शिवम शर्मा, स्मार्ट सिटी के सीईओ दिव्यांग सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिद्धार्थ जैन सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में स्मारक स्वयं आयोजन के संबंध में जानकारी भी दी। कलेक्टर आशीष सिंह ने इंदौर में की जा रही तैयारियों के बारे में बताया। इंदौर से ललित शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, नवंबर में 25 से 29 नवंबर के बीच में एक यूरेशियन ग्रुप फॉर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो बना हुआ है, उसका एक शिखर सम्मेलन जैसा यहाँ पर होने वाला है, जिसमें 9 जो देश हैं उनके डेलीगेट्स भाग लेंगे जो यूरेशियन ग्रुप के मेंबर हैं। और इसके साथ साथ कई सारे जो ऑब्जर्वर्स हैं, जो दूसरे कंट्रीज़ के जो डेलीगेट्स हैं, वो भी आएंगे। तो एक फॉरेन डेलीगेट्स की बड़ी जमावट यहाँ पर रहेगी। लगभग 150 के आसपास डेलीगेट्स के आने की संभावना है। इसलिए उन सभी को अच्छे तरीके से यहाँ पर जो उनका कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित कराया जाए। बाकी अगर अन्य गतिविधियाँ उनके द्वारा कोई करी जाती हैं तो वो अच्छे तरीके से संपादित करी जाए। पूरी